उतनी पुलिस ने 12 घंटे में एक अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। 5 दिसंबर को फरियादी शैलेंद्र कुमार सोनेर ने थाना बुधनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता सुरेश सोनेर वन विभाग में डिप्टी रेंज के पद पर रिटायर है। वर्तमान में मंजरेत सलूजा के ईट भट्टे में मुनीम है। वे रविवार दोपहर से पार्टी करने का बोलकर घर से बाइक लेकर निकले थे, वापस नहीं आए। वहीं रात में वापस लौटने पर तलाश की तो जो है पाइपुल के पास चप्पल मिली और खींचने के निशान भी मिले। इसके साथ ही सुरेश सोनेर का अधजला शव भी मिला। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ जारी है। जिसमें कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, इस पर कुछ चीज़ें जब्त की हैं, जैसे मोबाइल मोटरसाइकिल इस तरह की जब्त करी। और घटना इस तरह की थी, जो इनके सोनेर जी थे, इनके कॉलोनी के रहने वाले 3 लड़के थे जिन्होंने इनको दारू मुर्गा पार्टी के लिए बुलाया और इस तरह से प्लान किया था कि इनको मारकर घर से फिरौती लेंगे, परंतु घटना सफल नहीं हो पाई और इनका खुलासा कर लिया गया है। तीनों आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में इनसे पूछताछ की जाए।